तो गाइस हम लेने जा रहे हैं गेहूँ का आटा, और आज मम्मी भी घर पे नहीं है तो हम रोटली बनाएंगे। और अभी जाते हैं लेने के लिए आटा, और आटा लेके फिर घर पे जाके रोटली बनाएंगे। चलो तो गाइस मैंने ऑर्डर कर दिया है गेहूँ का आटा, तो वो अभी भर रहा है। फाइनली आटा ले लिया है, और गाइस यहाँ से वेजिटेबल ले लेते हैं। तो मैंने गाइस सिर्फ कोबी ली, और उसको बोल रहा हूँ मैं धना दे दे, और थोड़ा सा धनिया डाल दिया इसने। गाइस अब निकलते हैं घर पे जाने के लिए। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back. गेहूं का आटा एंड साग भाजी में लाया हूँ फ्लावर एंड धना। तो आज गाइस मम्मी नहीं है तो मैं ही बनाता हूँ रोटली बनाता हूँ, और साग बनाता हूँ फ्लावर का। तो गाइस ये है गेहूं का आटा, तो इसमें मैंने डाला थोड़ा नमक, और इसमें थोड़ा पानी डाला, और इसको अच्छे से मिलाते हैं अभी, और फिर आटा बन के रेडी होने के बाद आपको बताऊंगा मैं। गाइस ये आटा गूंथ के रेडी कर दिया मैंने, और अभी बनाते हैं रोटली। तो गाइस ये बनाई मैंने रोटली, कुछ अच्छी गोर गोर है, अच्छी है ना। और दूसरी सेक रहा हूँ मैं। ये आटा है, मैं अकेला हूँ ना इसलिए इतना ही बनाया, हो जाएगी 3-4 रोटली तो मेरे काफ़ी है मेरे लिए। तो गाइस फाइनली भोजन बन के रेडी हो गया है, और मैं खा लेता हूँ अभी, और खा के कहीं घूमने के लिए जाएंगे, फिर देखते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्टी आया है। तो गाइस अभी बजे रात के 11, एंड गाइस यहाँ पे मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ, और मिलते हैं नज़र ब्लॉग में। तो गाइस आप ब्लॉग में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी कर देना वीडियो अच्छा हो तो। तो मिलते हैं अदर ब्लॉग में, बाय।